स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए हम इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेम ऑफ द चैप्टर इज माय ब्रदर. अब चैप्टर 2 अपना स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है माय ब्रदर. क्या होता है आप सबको पता है कि मतलब मेरा भाई. तो चलिए इंट्रो में देखिए, ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है द फर्स्ट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वॉज गिवेन इन 1957 टू हरीश चंद्र मेहरा. पहला ब्रेवरी अवार्ड जो है वो 1957 में हरीश चंद्र मेहरा को दिया गया था. किस लिए दिया गया था? फॉर हिज करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब उसकी हिम्मत और उनके दिमाग की वजह से उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था. हरीश सेव द लाइफ ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद मैनी अदर डिग्निट्रीज. अब हरीश ने क्या किया था? हरीश ने किसी की जान बचाई थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और बहुत बड़े बड़े डिग्निट्रीज यानी बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसका सम्मान किया था. व्हेन फायर ब्रोक आउट इन आ शामियाना ड्यू टू अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क, हरीश एंटर्ड द बर्निंग शामियाना एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग द 20 feet हाई इलेक्ट्रिक पोल. जब वहाँ पर शामियाना में आग लग गई थी और किसकी वजह से आग लग गई थी? स्पार्क फ्रॉम ए फायरवर्क यानी जो फटाके जलाए जाते हैं, तो फटाकों की जो चिंगारी है उसकी वजह से शामियाने में आग लग गई थी. और शामियाने में जब आग लग गई और आग की लपटें ज़्यादा बढ़ गई थी तो हरीश ने उसमें जलते हुए शामियाने में जाकर क्लाइम किया और वहाँ पे 20 feet हाई इलेक्ट्रिक पोल को उसने वहाँ से आग बुझाई. ऑन रीचिंग द टॉप ही वाइप्ड आउट हिज स्काउट नाइफ एंड कट ऑफ द बर्निंग शामियाना क्लोथ. अब वहाँ पर चढ़ने के बाद में उसने क्या किया? एक कपड़े से उसको पोंछा. पोंछने के बाद में उसको नाइफ से कट करके और फिर बचा दिया था. शामियाना का जो कपड़ा होता है उसे बचाया. हैव यू हर्ड अबाउट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स? क्या आपने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के बारे में कभी पढ़ा है? डू यू नो वाई आर दिस अवार्ड्स गिवन? क्या आपको कुछ पता है कि अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? फाइंड आउट अबाउट दिस अवार्ड्स एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स. अगर आपको कुछ पता चले इसके बारे में तो आप ये इंफॉर्मेशन को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए. तो यह हो गया अपना इंट्रोडक्शन बॉक्स में जो दिया है, इससे आपको स्टोरी क्या है वो थोड़ी सी हिंट मिल गई है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. शेर सिंह इज़ अ ब्रेव बॉय हु डज नॉट नो फियर. रीड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम. अब शेर सिंह एक ऐसा हिम्मत वाला लड़का है जो कि डर क्या होता है उसके बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं था, यानी बिल्कुल वो डरता नहीं था. अब उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. हम रीड करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है स्टोरी. शेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन द हार्ट विथ ए पेन इन ए स्टमक दैट वॉज गेटिंग वर्स. अब शेर सिंह का छोटा भाई जो था वो हट में यानी झोपड़ी में वो लोग रहते थे और उसके पेट में काफ़ी भयानक दर्द था. दैट वॉज गेटिंग वर्स और वो दर्द जो था पेट का वो बढ़ते ही जा रहा था. शेर सिंह हिमसेल्फ वॉज ओनली अबाउट 12 years old, स्मॉल एंड चेयरफुल, अ लिटिल चाइल्ड ऑफ द जंगल. अब शेर सिंह खुद उस समय सिर्फ 12 साल का छोटा सा बच्चा था. उसके चेहरे पर हंसी खुशी यानी चार्मिंग फेस था, चेयरफुल हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा लगता था. एज ए चाइल्ड ऑफ द जंगल अब वो जंगल में रहने वाला बच्चा था. हिज ब्रदर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर. अब उसका जो छोटा भाई था वो उससे कई साल छोटा था. सेवरल यानी कई साल. आई विल ड्रिंक आउट रैग्स इन बॉइलिंग वाटर एंड ले देम ऑन हिज स्टमक सेड हिज मदर. उसकी मम्मी ने कहा कि मैं जो बॉइलिंग वाटर है उसको रैग्स में यानी कि पन्नी वो रबड़ की थैली में भरकर उसके पेट पे सेक देती हूँ. She did not weep. She had lived through everything over and over again. अब वो रोई नहीं क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें देख देख कर उसी में रहने की उसे हैबिट हो गई थी. The steaming rags did not help. After a while, Sher Singh's mother said he must carry it to the hospital of Kalaghat. अब जो स्टीमिंग रैग्स थे यानी वो जो भाप वाले थैली थी उससे भी कुछ मदद नहीं हो पाई और उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ. फिर शेर सिंह की मदर ने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. हॉस्पिटल कहाँ था? कालाघाट में. देन शेर सिंह थॉट दैट हिज ब्रदर वॉज डाइंग. अब शेर सिंह ने सोच लिया कि उसका भाई मरने वाला है. ऑल जंगल पीपल सम हाउ थिंक दैट द हॉस्पिटल इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द डूम्ड. अब सभी लोगों ने जंगल में रहने वाले सभी लोगों ने ये समझ लिया था कि हॉस्पिटल तो एक लास्ट इसके लिए एक लास्ट जरिया है, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा. लेकिन जैसे होता है ना आखिरी उम्मीद जो है वो हॉस्पिटल को बोली गई है. अगर हॉस्पिटल ये टाइम से पहुंच गया तो शायद बच जाए, नहीं तो ये मर जाएगा.